ये धागा कैसे है? 220 रुपये केजी भाई। छोटा वाला बड़ा वाला? ये छोटा वाला, हाँ छोटा वाला जितना भी कहते हैं। 220 रुपये केजी। और ये रोल बड़ा वाला? बड़ा वाला मोटा धागा भाई। मतलब वो कैसे केजी है? वो 150। 150। और ये इलास्टिक है, ये कैसे है? ये 120 रुपये केजी है लास्टिक। और ये चैन कैसे दे रहे हैं? 150 रुपये के जी। बटन कैसे दिए? हाँ, कौन से बटन? ये जींस वाला, जींस का बटन 250 रुपये किलो। जींस का 250। और ये सब बटन 150 रुपये किलो। ये सब 150। लेस कितने का दिए भाई? ये भी किलो से 250 रुपये किलो है। 250 से 250 रुपये किलो। कैसे मीटर दिए? कौन रहा भाई? ये जींस वाला बड़ा होलसेल में मिलेगा, 100 किलो है पूरा किलो पे। किलो कैसे किलो है? 300 रुपये किलो। और ये सब कैसे है भाई? सब मीटर से है भाई। ये सब मीटर से है। वेलवेट वर्क आएगा अपना, 130 रुपये मीटर है। 130 होलसेल रेट। हाँ होलसेल, और होलसेल रेट में भी रिटेल भी करते हम लोग। अच्छा, ये जॉर्जेट है, ये आपको 50 रुपये मीटर मिल जाएगा। नेट आपको 60-50, बॉर्डर वाला 40 रुपये मीटर मिल जाएगा। भाई साहब, ये पुराने वाले कपड़े होते क्या हैं? मतलब किस काम में ये पुराने कपड़े आते हैं? पहनने का काम आता है। ये पहनते भी हैं भाई? ये सब भाजी में बिकता है, 200 रुपये पीस। 200 रुपये पीस। अच्छा, तो यहाँ पे जितने भी गोडाउन है सब में वही रहता है? सब बाहर का माल रहता है, कोरिया अमेरिका ये सब का माल रहता है। हाँ। मतलब इंडियन पीस नहीं रहता? इंडियन नहीं है, सब बाहर है। ये सेकेंड है कि मतलब न्यू है? ये सेकेंड हैंड रहता है, वन बार यूज रहता है, बाहर का रहता है। अच्छा, मतलब ये इंडियन पीस नहीं है? इंडियन नहीं, कोरिया रहेगा। और कहाँ का रहेगा? अमेरिका का रहेगा, तुर्की का है। अच्छा, तो देख सकते हैं ये सब इंडियन पीस नहीं है। हेलो गाइस, स्वागत है और एक न्यू ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? ये सब अच्छे ही होंगे। वैसे एक धमाकेदार वीडियो के साथ मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ कुर्ला, जो कि आपको हम दिखाएंगे जहाँ एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आपको किलो के हिसाब से कपड़ा देखने को मिल जाएगा। लेडीज़ का हुआ, जेंट्स का हुआ, सबका कपड़ा आपको किलो के हिसाब से वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलते हैं, आपको वहाँ का पूरा व्यू दिखाते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वहाँ पे किलो के हिसाब से बटन हो गया, चैन हो गया, लेस हो गया, बकरम हो गया, जो भी आप अपने कपड़े में यूज़ करते हैं सब आपको वहाँ पे किलो के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। चलते हैं, आपको पूरा वहाँ का व्यू दिखाते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसा वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ, मार्केट से जुड़ी जानकारी मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और चलते हैं, आपको हम कुर्ला में वो व्यू दिखाएंगे, वो मार्केट दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ही फेमस है। चलते हैं, हम आज आपको दिखाएंगे पूरा वहाँ का नज़ारा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और पता चलेगा वहाँ पे एक किलो के हिसाब से कौन सा कपड़ा मिलता है, कौन सा नहीं मिलता है। वहाँ पे लेडीज़ का भी है, जेंट्स का भी है, बच्चों का भी है, जो कि आपको किलो के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे ऐसा नहीं कि इसका रेट है, इसका प्राइस है, आपको किलो के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो चलते हैं आज उस मार्केट में और आपको दिखाते हैं वहाँ का पूरा जो भी है। लास्ट तक वीडियो में बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मार्केट से जुड़ी जानकारी मैं अपने चैनल पर देता रहता हूँ। गाइस, आप इस मार्केट में जाना चाहते हैं तो आप आइए कुर्ला। ये देख, कुर्ला रेलवे स्टेशन है, वहाँ से जस्ट बाहर निकलेंगे तो ऐसा कुछ आपको मार्केट दोनों तरफ देखने को मिल जाएगा। और आगे से रिक्शा स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड से आपको रिक्शा भी मिल जाएगा। और आप वॉकिंग करके जाना चाहते हैं तो वॉकिंग भी करके जा सकते हैं, बस ज़्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर है, मतलब 2 किलोमीटर जो भी है। तो देख सकते हैं ये दोनों तरफ मार्केट है कुर्ला का, जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही पॉपुलर मार्केट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिक्शा स्टैंड है, यहाँ से आप रिक्शे से भी जा सकते हैं या तो आप वॉकिंग करके भी जा सकते हैं, लेकिन हम वॉकिंग करके चलेंगे क्योंकि उतना अभी धूप भी नहीं है और अभी सुबह का टाइम है तो थोड़ा माहौल अच्छा है, भीड़ भाड़ भी नहीं है, तो हम वॉकिंग करके ही चलेंगे। और आपको दिखाते हैं वो मार्केट जहाँ पे चिंदी के भाव में आपको कपड़े देखने को मिल जाएंगे और कपड़े में यूज़ होने वाला जो भी मटेरियल होता है वो भी आपको किलो के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। तो हम वहाँ पे आपको लेकर चलते हैं,
वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फटाफट हम चलते हैं। गाइस हम पहुंच चुके हैं चिंदी मार्केट के पास और आपको कुर्ला स्टेशन से रिक्शा भी मिल जाएगा, आप वॉकिंग करके भी आ सकते हैं। आपको बता दूं मैं कहां पे आना है, देख सकते हैं ये आपको ऐसा चौक दिखेगा, एक इधर से रास्ता आता है सीधा ये ट्रक के पीछे से, देख सकते हैं इधर से भी आप स्टेशन से आ सकते हैं जहाँ से बस आ रही है, और इस सामने से भी आ सकते हैं। यहाँ से आएंगे वॉकिंग करके तो आपको जल्दी पहुँच जाएंगे। और सामने आपको ये पेट्रोल पंप दिखेगा HP का, और यहाँ से हम लोग चलेंगे चिंदी मार्केट जो कि बहुत ही फेमस है। वहाँ पे आपको हम चल के दिखाते हैं पूरा मार्केट का व्यू, देख सकते हैं यही रास्ता जाएगा लेकिन हमें इसको क्रॉस करना है, इस तरफ से उस तरफ चलना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी मॉडिफाई होती है इस जगह पे, बाइक हो गया, कार हो गया, उनका जो आगे का देख सकते हैं ऐसा जो चेचिस होता है केबिन, यहाँ पे केबिन बनता है गाड़ियों का, फोर व्हीलर का, जिनका डैमेज हो जाता है एक्सीडेंट होने के कारण, उनका आगे का जो शो रहता है इस एरिए में शो का काम होता है, यहाँ पे आगे का शो बनता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई दिख रही होंगी, और देख सकते हैं ऐसे आगे का शो बनता है। इधर देख सकते हैं इधर भी, उधर भी, दोनों तरफ भी, मतलब दोनों तरफ आपको यहाँ पे काम चलता है गाड़ियों का। तो हम चलते हैं आपको लेकर चिंदी मार्केट में। तो गाइस हमें वो मार्केट से निकलकर हमें इस हाईवे पे आना है, देख सकते हैं ये हाईवे है, इसी हाईवे से हमें थोड़ा आगे जाना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा आगे जाना है, और हमें लेफ्ट की तरफ घूम जाना है, मतलब मुड़ जाना है, तो ज़्यादा आगे नहीं जाना है, बस वो रास्ता जो अभी हम आए हैं वो रास्ता को पूरा क्रॉस करके इस हाईवे पे आना है, और ऐसे आपको शॉप ऑफ देखने को मिल जाएगा। फिर इसके जस्ट आगे हमें लेफ्ट में जाना है जो कि बहुत ही बड़ा चिंदी मार्केट है, देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे शॉप हैं कपड़े का। हमें लेफ्ट की तरफ आगे से जाना है, और ये हाईवे है जो कि सांता क्रूज स्टेशन जाता है, और ये बाजू में देख सकते हैं एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाजू में। तो हम अब यहाँ से चलेंगे चिंदी मार्केट की तरफ, देख सकते हैं मार्केट लगभग खुल ही गया है, कुछ ऐसा मंज़र है यहाँ का। मार्केट चालू हो चुका है और दिखाते हैं आपको यहाँ पे पूरा व्यू। तो अंदर चलते हैं गलियों में, इधर तो भी पूरा मार्केट दिख रहा है लेकिन आगे की तरफ चल के हम आपको दिखाते हैं अंदर से पूरा मार्केट का व्यू। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा ही कपड़े का शॉप है, ये सब कपड़े का शॉप है, देख सकते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं चिंदी मार्केट में। ये धागा कैसे है? 220 रुपए केजी भाई। छोटा वाला बड़ा वाला? ये छोटा वाला, छोटा वाला जितना भी पैक, ये 220 रुपए केजी। और ये रोल बड़ा वाला? बड़ा वाला मोटा धागा भाई। मतलब वो कैसे केजी है? वो 150। 150। और ये बकरा, ये क्या है? सॉरी, लास्टिक। ये कैसे है? ये 120 रुपए केजी लास्टिक।
और ये चैन कैसे दे रहे हैं? 150 रुपये के जी। भाई बटन कैसे दिए? हाँ, कौन से बटन? ये जींस वाला, जींस का बटन 250 रुपये किलो। जींस का 250। और ये सब बटन 150 रुपये किलो। ये सब 150। लेस कितने का दिए भाई? ये भी किलो से 250 रुपये किलो है। 250 से 250 रुपये किलो। ये सब भी वही है, बड़ा वाला रोल, मोटा वाला धागा? सबका अलग अलग रेट है, यहाँ सब किलो से माल मिलता है। सब किलो से मिलता है। और कुछ नहीं रखे हैं? बस यही इलास्टिक बटन टैग, ये सब ऐसे सिला हुआ। ये टैग मतलब सब अलग 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 अलग। इसको आप छाटेंगे फिर? ये भी किलो से है। ये भी किलो से आता है? मतलब जो भी मार्केट में आपको मिलेगा किलो के हिसाब से मिलेगा, और मीटर से नहीं मिलेगा? मीटर से कपड़ा बस। भाई कैसे मीटर दिए? कौन रहा भाई? ये जींस वाला लॉन्ग बना रहे क्या? हाँ भाई। हाँ ये भाई होलसेल में मिलेगा, 100 किलो है पूरा किलो पे। किलो कैसे किलो है? 300। 300 रुपये किलो। और ये सब कैसे भाई? सब मीटर से है भाई। ये सब मीटर से है। मेरा मतलब कपड़े का दिखा दो आप, मैं आपको सब बता। हाँ बता दो। वेलवेट वर्क आएगा अपना, 130 रुपये मीटर है। 130 होलसेल रेट। हाँ होलसेल, और होलसेल रेट में भी रिटेल भी करते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ ये जॉर्जेट है। हाँ ये आपको 50 रुपये मीटर मिल जाएगा। नेट आपको 60-50, बॉर्डर वाला 40 रुपये मीटर मिल जाएगा। बहुत सारी वैरायटी है। चलो भाई यहाँ पे देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, सब चिंदी मार्केट में आपको होलसेल के भाव मिलेगा। देख सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है। इधर देख सकते हैं धागा होगा भाई। धागा कैसे नहीं है? भाई बटन कैसे? बटन बटन है 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो। जींस का आएगा 300-400। जींस का 400। और ये नॉर्मल बटन? ये सब 150। ये सब 150 रुपये किलो है। और क्या पन्नी? मेरे यार 30,000। 30,000। गाइस हम दूसरी गली में आ गए हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, सकते हैं इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे गोडाउन है, जहाँ पे ये चिंदी मार्केट है ना अंकल। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सब पुराने कपड़े हैं ना, सब भंगार हैं। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गोडाउन हैं। इतना बड़ा गोडाउन है कि और सब पुराने कपड़े हैं, ये सब भंगार में आता है। देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि पूरा कपड़े का खादान ही है, लेकिन सब भंगार है। देख सकते हैं सब इतने बड़े बड़े यहाँ पे गोडाउन हैं, क्या ही बोला जाए। और ये है चिंदी मार्केट का व्यू। पूरा गोडाउन में सिर्फ कपड़ा भरा है और कुछ नहीं है। तो भाई ये गली में आपको सिर्फ ये जो कपड़े हैं, भंगार वाले ही कपड़े जैसे देखने को मिलेंगे। भाई साहब ये पुराने वाले कपड़े होते क्या हैं, मतलब किस काम में ये पुराने कपड़े आते हैं? पहनने का काम आते हैं। ये पहनते भी हैं भाई? ये सब भाजी में बिकते हैं। 200 रुपये पीस। अच्छा, तो यहाँ पे जितने भी गोडाउन है सब में वही रहता है? सब बाहर का माल रहता है, कोरिया अमेरिका ये सब का माल रहता है। हाँ मतलब इंडियन पीस नहीं रहता? इंडियन नहीं है, सब बाहर है। ये सेकेंड है कि मतलब न्यू है? ये सेकेंड हैंड रहता है, वन बार यूज रहता है, बाहर का रहता है। अच्छा, मतलब ये इंडियन पीस नहीं है? इंडियन नहीं, कोरिया रहेगा। और कहाँ का रहेगा? अमेरिका का रहेगा, तुर्की का है। अच्छा, तो देख सकते हैं ये सब इंडियन पीस नहीं है। ये था चिंदी मार्केट का पूरा नज़ारा। यहाँ पे आपको किलो के हिसाब से कपड़े मिल जाएंगे, मीटर के हिसाब से मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो कट पीस रहता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको जींस मिल जाएगा जो कि आपको अभी मैंने दिखाया। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और ऐसा वीडियो मैं लाता रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।